नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि अपने बर्ड्स को मेडिसिन देनी है तो मेडिसिन देने का तरीका क्या है। देखिए, हर मेडिसिन देने का एक प्रोटोकॉल होता है। यदि आप उसको सही तरीके से आप अपने कबूतरों को देंगे तो आपको अपने बर्ड्स में जो है उसका बेनिफिट्स मिलेगा। यदि देने का तरीका गलत होगा तो ऑटोमेटिक उसको फायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोटोकॉल्स है ये हमने इसको डेज में डिवाइड किया हुआ है। यानी जैसे आप ये मान के चलिए कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं या पूरे महीने के अंदर अगर 30 दिन होते हैं तो जो आपने मेडिसिन देनी है बर्ड्स को 8 दिन देनी है और 2 दिन का जो गैप रखना है आपने प्लेन पानी रखना है। उस 2 दिन में आपने कोई पानी नहीं देना है और फिर इसी कोर्स को आपने फिर से रिपीट कर देना है। तो इस प्रकार जो ये मेडिसिन का जो मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ ये आपके बर्ड्स को हेल्दी रखेगा और बर्ड्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा उसको क्योर। सबसे पहले दिन आपने क्या करना है, 1 तारीख को, ये महीने की 1 तारीख से आप इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं कबूतरों को दर्द में, आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स को लहसुन लेना है। लहसुन की आपने 1 कली लेनी है, उसको अच्छे से पीस लेना है। 1 लीटर पानी लेकर के आपने जो आपने पेस्ट बनाया है 1 लहसुन के कली का, उसको पानी के अंदर अच्छे से मिला करके आप अपने सभी कबूतरों को पीने को दीजिए। ये जो लहसुन होता है, लहसुन के अंदर जो है एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं और लहसुन का पानी यदि आपके बर्ड्स 1 दिन पी लेते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपके जो कबूतर होते हैं काफ़ी बीमारी से जो है बचे रहते हैं। इसलिए आप हफ्ते में या 7 दिन में 1 बार पीने के पानी के अंदर अपने बर्ड्स को पानी के अंदर लहसुन को पेस्ट बना करके अच्छे से घोल करके दीजिए ताकि बर्ड्स की इम्यूनिटी अंदर से मजबूत हो सके। दूसरी चीज़ जो आपने बर्ड्स को देनी है सिरका। सिरका जो है हम सबके घरों के अंदर अवेलेबल होता है। यदि आपके पास सिरका नहीं अवेलेबल है तो विटामिन सी से रिलेटेड पाउडर 1 लीटर पानी के अंदर यदि 1 नींबू को निचोड़ करके भी यदि आपने बर्ड्स को देते हैं तो वो भी जो है विटामिन सी इनकी बॉडी में जा करके बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से बढ़ाता है। तो ये भी आपको हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को पीने के पानी में आपको जरूर देना चाहिए ताकि आपके कबूतर हेल्दी बने रहें। ये जो सिरका हो गया या विटामिन सी जो हम अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, गट की जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनको कंट्रोल रखता है, उनको हेल्दी रखना है, उससे जो है आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी बना रहता है। तीसरे दिन जो है आप अपने बर्ड्स को जो है विमरॉल पीने के पानी में देना है। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन से, ये विटामिन क्योंकि हम कई बार बर्ड्स के खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर विमरॉल जो है तीसरे दिन आप अपने बर्ड्स को पीने को दीजिए और अपने कबूतरों को हेल्दी बना कर रखिए। चौथे दिन जो है हमें अपने बर्ड्स की गट का इंटेस्टाइन के बारे में सोचना है कि उसकी इंटेस्टाइन को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। गट वेल जो है वेंकीज कंपनी का एक ये प्रोडक्ट्स आता है, ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। गट वेल का 1 चम्मच जो है आप ले करके 10 लीटर पानी में आप जो है घोल करके आप अपने बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स दीजिए और उनकी इंटरनल जो इंटेस्टाइन है उनको हेल्दी रखें। यदि किसी कारणवश आपके यहाँ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल नहीं है, उसका दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है। सबके घरों में जो है हम दही जमाते हैं, दही के ऊपर आप देखेंगे दही जमने के ऊपर पानी आ जाता है। ये जो पानी होता है ये प्रोबायोटिक्स का काम करता है। यदि ये जो दही का जो पानी है यदि आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अपने बर्ड्स को मिला करके पीने के लिए देते हैं तो ये आपके बर्ड्स के लिए जो है प्रोबायोटिक्स का काम करेगा और आपके बर्ड्स के जो गट है उनको अंदर से हेल्दी रहेगा। तो ये आप अपने बर्ड्स को 1 दिन आप दे सकते हैं हफ्ते में। 5वें नंबर पर है जो आपको बर्ड्स को जो है कैल्शियम देना होता है। हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर दीजिए। मेरिकल जो कैल्शियम आता है वो जो है पानी के अंदर अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए आप अपने बर्ड्स के 1 लीटर पानी के अंदर 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर के अपने बर्ड्स को दीजिए और बर्ड्स की हड्डियों की मजबूती रखिए, उनके फैदर्स की चमक को मेंटेन कीजिए और हफ्ते में 1 बार आप जो है मेरिकल कैल्शियम अपने बर्ड्स को पीने के पानी में आप जरूर दीजिए। अब नेक्स्ट जो आपने नेक्स्ट डे देना है अपने बर्ड्स को लीवर टॉनिक पीने के पानी में देना है। लीव 52 या ब्रोटोन सिरप जौन सा भी इजली आपके पास अवेलेबल है 3 ml 1 लीटर पानी में आप अपने बर्ड्स को पीने को दीजिए। बर्ड्स के लीवर को मजबूत रखिए और अपने बर्ड्स को हेल्दी रखिए। विटामिन ई भी बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है, इसलिए विटा केयर ई सप्लीमेंट जो आता है अपने बर्ड्स के पीने के पानी में 3 ml 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके हफ्ते में 1 बार जो अपने बर्ड्स को विटामिन ई के सप्लीमेंट्स रेगुलर दीजिए कबूतरों को ताकि आपके बर्ड्स
हेल्दी रह सके और इम्यूनिटी सिस्टम उनका अंदर से मजबूत रख सके। लास्ट में जो आपने देना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो है बर्ड्स के सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। ग्रोवीप्लेक्स के नाम से जो है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है विटामिन बी सप्लीमेंट्स। आप 2 ml एक लीटर पानी के हिसाब से आप अपने बर्ड्स को आप इसको एक दिन आप दे सकते हैं। देखिए जो 8 मेडिसिंस मैंने आपको बताई है, चाहे उसमें लहसुन है, चाहे विनेगर है, चाहे विमरॉल है, लीफ 52 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विनेगर है, या गट्स के लिए प्रोविगेट्स है, ये आपने रेगुलर एक एक दिन करके देना है। जब ये आपके 8 दिन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने 2 दिन प्लेन पानी अपने कबूतरों को पीने को देना है। यानी 2 दिन हमने उनके कोई लोड नहीं रखा, बिल्कुल प्लेन पानी आप लेंगे।